मारेगी उसको, तुम्हें भी मारेंगे, जो दीपक आए हैं रात को वो बोल के गए मुझे फोन कर रहे, फिर बेटा बता दे आईडी प्रूफ दे दे। आपसे कब लास्ट बार उसकी फोन पे बात हुई? हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। क्या कहेंगे कि कब से विशाल, क्या लगता है आपका? वो कहते हैं विशाल कहाँ है, कालू कहाँ है। मैंने कहा कोई कालू वालू नहीं है, सुनो रात को जो आए वो बोलते हैं कि गोली लगेगी, यहाँ गोली लगेगी उसको। अच्छा। तुम्हें भी मारेंगे, जो दीपक आए हैं रात को वो बोल के गए मुझे फोन कर रहे, फिर बेटा बता दे आईडी प्रूफ दे दे। मैंने कहा सेक्टर 5 में चलो, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दे रखी है कमिश्नर साहब को, क्राइम में भी दे रखी है, वहाँ पे एएसपी साहब को भी, सीएम विंडो पे भी डाली है कि भी कौन आ रहा है मुझे बताओ तो सही, इतने टाइम से कोई नहीं बता रहा, ये मेरी मम्मी है देख लो। कितनी उम्र है विशाल की? 27 साल हो गए। कितना पढ़ा लिखा है? 10 पढ़ रहा है वो। अच्छा, तो कब से फरार है वो यहाँ से, घर से गायब कब से है वो? फरवरी से गायब है वो। कौन सी फरवरी से, कोई डेट अगर आपको याद हो तो? 27-28 की रात से गायब है वो। किसके साथ रहता था, क्या? कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में, हम खुद चिंता में इस बात से। आपसे कब लास्ट बार उसकी फोन पे बात हुई? हमारी उससे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा? नहीं नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, पुलिस हमें बता भी नहीं रही है। आपने चलो बताया तो है कि सिर्फ उसमें आए हो आप, मैं एप्लीकेशन भी लगा रही हूँ, पुलिस भी कोई वो नहीं दे रहा। जो कल सीआई आए मेरे पास, एसटीएफ बता रहे थे वो, दिनेश जी नंबर भी दे के गए, वो कहते हैं हम फेस 1 से हैं, डीएलएफ से। कितने भाई बहन? 4 बहन भाई हम। ये कौन से नंबर का है विशाल? 4th नंबर का है, मेरे से छोटा है। अच्छा, कैसा कुछ कैरेक्टर कैसा है इसका, क्या सही है वो? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे घर पुलिस आ रही है, इस तरह का मैटर हुआ। व्यवहार कैसा है इसका आपस में? अच्छा है, ये ठीक है, किसी से नहीं बोलता। आप उसकी गली मोहल्ले में भी पूछ लो। चलो एक आदमी झूठ बोल सकता है, गली मोहल्ला थोड़ी नहीं बोलेगा। कल मेरे से आ रही है, तेरा भाई और लड़कों की फोटो दिखा रहे, जो भाई होगा वही तो बोलूंगी ना, ये मेरा भाई है। रात को 10 बजे पुलिस आई है, क्या पर्पज है पुलिस का? कहते हैं यूं गोली मारेंगे यूं, और दिल्ली पुलिस है, अब बहुत मरेगा वो, तो ऐसे ऐसे बोल के गए और बात बता नहीं रहे हैं कोई पुलिस वाले। आमतौर पर जो फेसबुक का कल एक नया पेज बनाया गया था, जहां पर अमोल बिश्नोई ने ये पूरी जानकारी साझा की थी कि ये सलमान खान के खिलाफ जो साजिश है ये उसी ने अंजाम दी है, और ये भी कहा कि पहली और आखिरी वार्निंग होगी, जिसके बाद इस पूरे आईपी एड्रेस को खंगाला गया। तो जानकारी मिली कि ये कनाडा का आईपी एड्रेस है, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि साजिश की जहां तक बात अमेरिका से आ रही है, तो ये भी बताया जा रहा है कि कई अलग अलग जगह पर अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों ने अलग अलग आईपी एड्रेसेस से जो है कनेक्शन अपना साधा, और फोन कॉल के जरिए नहीं बल्कि एक अलग लिंक के जरिए लोगों से बातचीत की, और जहां पर इस पूरी साजिश को बनाया गया। आपको हम जिस तरीके से बता दें कि अगर बात कनाडा और अमेरिका के कनेक्शन की है, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ इलाके में पनवेल इलाके से जो बाइक ली गई थी वो सेकेंड हैंड बाइक थी, जो बरामद हो चुकी है। जो पूरी हिस्ट्री थी इन शूटर्स की वो खंगाली जा रही है फिलहाल, और इसीलिए जब इनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आए हैं तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम और हरियाणा की पुलिस से संपर्क साधा है, जिससे कि इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड परिवार के डिटेल्स मिल चुके हैं।